हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी है धमाकेदार शुरुआत। पहले दिन फिल्म के कलेक्शन जबरदस्त थे, लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म की कमाई में और भी बड़ा उछाल देखने को मिला। वहीं महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम ने भी दो दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से ऐतिहासिक कलेक्शन किए है। तो धनुष की फिल्म कैप्टन माइलर का भी जो दो दिनों का कलेक्शन है वो काफी बढ़िया हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुंटूर कारम, हनुमान और कैप्टन मिलर के दो दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। वही कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मेरी क्रिसमस और इस हफ्ते रिलीज हुई वेंकटेश सर की फिल्म सेंधव के भी फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से टोटल कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें तेलुगु फिल्म सेंधव के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं तेलुगु सिनेमा के सदाबहार एक्टर वेंकटेश सर और उनके साथ नजर आ रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म का बजट है 85 करोड़ रुपए और इस फिल्म को सिनेमा घरों में आज रिलीज किया गया है। ये मूवी काफी बढ़िया और फिल्म के जो रिव्यूज है वो एक तरह से डिसेंट निकल कर आए हैं। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी बड़ी फिल्मों का कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके एक दिन पहले ही महेश बाबू की गुंटूर कारम और हनुमान फिल्म रिलीज हुई और दोनों ही फिल्में तेलुगु स्टेट में अच्छी खासी स्क्रीन्स लेकर बैठी है, जिसके चलते सेंधो को रिलीज होते ही पहले दिन जो स्क्रीन्स मिली है वो काफ़ी कम है। लेकिन दोस्तों, कम स्क्रीन्स पर भी इस फिल्म ने पहले दिन अच्छी खासी ओपनिंग ले ली है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को जो मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है वो 60 से 65% की है, वही आफ्टरनून इवनिंग नाइट शोज की बुकिंग भी काफ़ी सॉलिड हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक सेंधव फिल्म अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 7 करोड़ 50 लाख रुपए का, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 9 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म पहले दिन ओवरसीज मार्केट से लगभग 4.5 करोड़ रुपए कमा रही है। और इसी के साथ दोस्तों, सेंधव फिल्म का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो हो रहा है 13 करोड़ 50 लाख रुपए, जो कि एक तरह से डिसेंट ओपनिंग है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए ये मूवी अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है, तो आने वाले दिनों में इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वही अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म मेरी क्रिसमस के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है श्री राम राघवन सर ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं तमिल सिनेमा के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर विजय सेतुपति और उनके साथ नजर आ रही है कैटरीना के। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज किया गया था कल और फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं दो दिन। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन तो डिसेंट ओपनिंग ली थी, लेकिन इस फिल्म को भी अच्छे रिव्यूज मिले, फिल्म लोगों को पसंद आई, उसी वजह से फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि यह फिल्म हिंदी और तमिल दो भाषाओं में रिलीज की गई है और इस फिल्म को हिंदी तमिल दोनों भाषाओं में अच्छे खासे रिव्यूज मिले हैं। हालांकि दोस्तों, फिल्म को जो कॉम्पिटिशन मिल रहा है वो काफी बड़ा है, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारी हिंदी और तमिल फिल्में रिलीज हुई, जिसके चलते ही इस फिल्म के पास भी कोई खास ज्यादा स्क्रीन्स नहीं है। लेकिन कम स्क्रीन के बावजूद भी अगर बात करें इस फिल्म के दो दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो मेरी क्रिसमस फिल्म ने अपने पहले दिन दोनों भाषाओं से इंडिया नेट कलेक्शन 2.91 करोड़ रुपए का किया था। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में एक हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली और फिल्म के जो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी है वो कल के मुकाबले 30% ज्यादा रही, वही आफ्टरनून इवनिंग नाइट शोज की बुकिंग भी कल के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक मेरी क्रिसमस अपने सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 3.70 करोड़ रुपए का, और इसी के साथ इस फिल्म का दो दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 6.61 करोड़ रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 7.90 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से सिर्फ 1.35 करोड़ रुपए की कमाई की है और इसी के साथ मेरी क्रिसमस का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 9.23 करोड़ रुपए का हुआ है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दो दिनों में 9.23 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। फिल्म अच्छी है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वही दोस्तों, अब अगर बात करें एक्शन पैक्ड फिल्म कैप्टन मिलर के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं धनुष, वही कन्नड़ा सुपरस्टार शिवा राजकुमार सर और सुदीप किशन। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म को तीन भाषाओं में रिलीज किया गया है, हिंदी तमिल और कन्नड़ा, और तीनों भाषाओं में फिल्म को जो रिव्यूज मिले हैं वो मिक्स टू एवरेज है। उसके बावजूद भी फिल्म ने पहले दिन अच्छी खासी कमाई की, लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर कैप्टन मिलर के सामने
सामने भी। तमिल सिनेमा की कुछ नई फिल्में रिलीज हुई है और फिल्म तेलुगु स्टेट में भी एक बड़ा कॉम्पिटिशन झेल रही है। हालांकि हिंदी से तो फिल्म के मेकर्स को पहले ही ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, जिसके चलते ही उन्होंने इस फिल्म का ना तो हिंदी में सही से प्रमोशन किया और ना ही इस फिल्म को हिंदी वर्सन में ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भी इस फिल्म ने पहले दिन अच्छी खासी कमाई की और दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में ड्रॉप तो आया लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। अगर बात करें कैप्टन मिलर के दो दिनों के डिटेल कलेक्शन के बारे में, तो कैप्टन मिलर फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 9,78,00,000 रुपए का किया। वही दूसरे दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी में 20% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि यहां पर कैप्टन मिलर अपने सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से 7,50,00,000 रुपए का कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 17,28,00,000 रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 20,60,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 8,40,00,000 रुपए की टोटल कमाई की है। और इसी के साथ कैप्टन मिलर का शुरुआती दो दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 29 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दो दिनों में 29 करोड़ की कमाई कर चुकी है। अब देखते हैं कि कल संडे है तो फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ आती है या कल फिर से इस फिल्म के कलेक्शन नीचे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म गुंटूर कारम के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने, वही इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार महेश बाबू और श्रीलीला। बता दो दोस्तों, यहां पर गुंटूर कारम सिर्फ सिंगल लैंग्वेज यानी कि तेलुगु में रिलीज हुई है, उसके बावजूद भी इस फिल्म ने 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग ली है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें यहां पर गुंटूर कारम के कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि फिल्म का जो बजट है वो है 150 करोड़ रुपए, लेकिन फिल्म दो दिनों में जितनी कमाई कर चुकी है उससे देखकर लग रहा है कि फिल्म अपना बजट और उससे कहीं ज्यादा की कमाई तो सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही कर जाएगी। जी हां दोस्तों, यहां पर गुंटूर कारम फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 53 करोड़ का किया था। लेकिन बात करें सेकंड डे के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के जो सेकंड डे के कलेक्शन है उसमें 50% का ड्रॉप देखने को मिला है। इसके पीछे की दो वजह है। पहली वजह तो ये कि फिल्म को जो रिव्यूज मिले हैं वो मिक्स्ड टू नेगेटिव है, मतलब कि महेश बाबू के फैंस को तो फिल्म पसंद आ रही है लेकिन नॉर्मल ऑडियंस ने फिल्म से जितनी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी ये फिल्म उन्हें उतनी अच्छी नहीं लगी। वही दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुंटूर कारम की जो स्क्रीन से वो पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन कम हो चुकी है, क्योंकि दूसरे दिन एक और तेलुगु फिल्म सेंधव रिलीज हो गई है। वही कल ही इसके साथ रिलीज हुई हनुमान की जो स्क्रीन से वो दूसरे दिन से बढ़ गई और बहुत सारी गुंटूर कारम की स्क्रीन हनुमान के पास जा चुकी है, जिसी के चलते गुंटूर कारम फिल्म अपने दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 25 करोड़ का कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों, गुंटूर कारम फिल्म का शुरुआती दो दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 78 करोड़ का, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 93 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से टोटल कमाई 37 करोड़ की है। और इसी के साथ गुंटूर कारम का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 130 करोड़ का हो चुका है। जी हां दोस्तों, फिल्म का बजट है 150 करोड़ रुपए और फिल्म दो दिनों में दुनिया भर से 130 करोड़ की कमाई कर चुकी है, यानी कि दोस्तों इतना कंफर्म है कि गुंटूर कारम फिल्म कल अपने बजट से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी होगी, यानी कि जितना फिल्म का बजट है ना उससे ज्यादा तो कलेक्शन फिल्म का 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड मार्केट में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट होने के लिए मिनिमम कम से कम 180 करोड़ रुपए का सिर्फ नेट कलेक्शन करना होगा, ना कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस साल की सबसे बड़ी धमाकेदार फिल्म हनुमान के बारे में, तो भैया हनुमान फिल्म ने तो सबको पूरी तरह से चौंका दिया। मतलब कि इस फिल्म के रिलीज होने के पहले ही मुझे शक था कि यह फिल्म तेलुगु में क्या कमाई करेगी वो तो भगवान जाने, लेकिन अगर यह फिल्म अच्छी हुई ना तो हिंदी मार्केट में यह फिल्म पूरी तरह से धमाका कर देगी। और दोस्तों जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहां पर हनुमान फिल्म ने पहले दिन हिंदी में ताबड़तोड़ कमाई की, लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन और भी जबरदस्त हो चुके हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस फिल्म को जो स्क्रीन से पहले दिन महेश बाबू की गुंटूर कारम के सामने काफी कम मिली थी, लेकिन दूसरे दिन इसकी स्क्रीन बढ़ गई और महेश बाबू की फिल्म के स्क्रीन को कम कर दिया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म का हिंदी मार्केट में भी जो पहले दिन का कलेक्शन था उससे कहीं ज्यादा कलेक्शन दूसरे दिन रहा, क्योंकि इस फिल्म का जो हिंदी में प्रमोशन है रिलीज के पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन अब फिल्म अच्छी है जिसके चलते
लोगों के जरिए सबको पता चल रहा है कि भैया इस हफ्ते हनुमान नाम की कोई फिल्म आई है जो कि 2024 की सबसे अच्छी फिल्म मानी जा रही है। तो दोस्तों यहां पर हनुमान फिल्म जिसका बजट सिर्फ 55 करोड़ रुपए है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा फिल्म कमाई करने वाली है, क्योंकि फिल्म के दो दिनों के कलेक्शन जानने के बाद आप खुद बोलोगे कि भैया ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी। जी हां दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के शुरुआती दो दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो हनुमान फिल्म जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया है, फिल्म तो रिलीज हुई थी 12 जनवरी को, लेकिन फिल्म के पेड प्रीमियर शोज एक दिन पहले यानी कि 11 जनवरी को रखे गए थे, जहां से फिल्म ने 4,50,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया था। वही रिलीज होते ही फिल्म ने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन पांचों भाषाओं से 10,30,00,000 रुपए का किया। बात करें फिल्म के सेकंड डे कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सेकंड डे इस फिल्म की स्क्रीन भी ज्यादा है और फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी पहले दिन से बेहतर है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक हनुमान फिल्म अपने सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 11,50,00,000 रुपए, और इसी के साथ हनुमान फिल्म का शुरुआती दो दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 26,30,00,000 रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 31,50,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 9,50,00,000 रुपए की टोटल कमाई की है, और इसी के साथ हनुमान फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 41 करोड़ का। जी हां दोस्तों, फिल्म दो दिनों में दुनिया भर से 41 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है, और कल है संडे, तो कल तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना भयंकर कलेक्शन करने वाली है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कल यह फिल्म पूरे देश में हाउसफुल होने वाली, और फिल्म ने जितनी कमाई दो दिनों में की है इतना कलेक्शन तो यह फिल्म तीसरे दिन कर सकती है। हालांकि फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो अब कंफर्म हो चुका है कि 150-200 करोड़ रुपए से ऊपर का रहेगा, लेकिन फाइनल कलेक्शन ये फिल्म 300 करोड़ करेगी, 400 करोड़ करेगी, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है हनुमान फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना हो सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।